अंबरनाथ, कल्याण, उल्लासनगर, बदलापुर, वांगनी, करजत में भारी बारिश के कारण लोगों में डर का माहौल। उल्लास नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। कल्याण, वालदोनी में घरों में पानी घुस रहा है, घर डूबते नजर आ रहे हैं और लोग डरे हुए हैं। कल्याण मुरवाड रोड को जोड़ने वाला उल्लास नदी का रायता पुल भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। कल्याण बदलापुर करजत रोड पूरा पानी में डूब चुका है और जल भराव की जगह पर पुलिस प्रशासन ने जाने पर रोक लगाई। दमकल विभाग के लोग भी वहां पर मौजूद। जल भराव के कारण अंबरनाथ करजत लोकल ट्रेनें भी कुछ देर के लिए बंद कर दी गई। मुंबई लोकल ट्रेन पर भी इसका भारी असर देखने को मिला है। जो लोग मुंबई काम या नौकरी करने के लिए गए थे, जल्द छुट्टी लेकर अपने अपने घरों को लौटने की कोशिश करते नजर आए। जितने भी नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको सतर्क रहने का इशारा दिया गया और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले, ऐसी चेतावनी दी गई। अंबरनाथ पश्चिम के बालाजी नगर, लादी नाका, विंको नाका, डीएमसी रोड पर भी जल भराव देखने को मिला। वैसे ही अंबरनाथ पूर्व में ग्रीन सिटी, पिंक सिटी के रास्ते पर भी पानी भरा हुआ नजर आया। नगर पालिका प्रशासन के अधिकारी जाधव और तड़वी साहब और युवा चेहरा निखिल वालेकर पिंक सिटी, ग्रीन सिटी का दौरा करते हुए भी नजर आए। इसी तरह अंबरनाथ पूर्व के प्राचीन शिव मंदिर परिसर में भी पानी भरने की खबर मिली। अंबरनाथ के पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार नजर आए। बालवाड़ी चालू है क्या? बालवाड़ी चालू है, लेकिन पानी कितना भरा है देखो इधर। बच्चे लोग कैसे आएंगे? तो बच्चे लोग को छुट्टी दी है। हाँ, बच्चे लोग को छुट्टी दिया है अभी। बालवाड़ी चालू है लेकिन। तो पानी हमेशा रहता है? हाँ, हमेशा ही रहता है। बारिश में बहुत थोड़ा भी बारिश आएगा तो पानी जाता ही है ऊपर। तो कैसे आएंगे जाएंगे? तो इसके लिए बोलना चाहिए ना गवर्नमेंट को। बोलते कितना बोलेंगे बार बार।